आने वाले समय जब हिंदू रामनवमी का जुलूस निकालेंगे, जब दुर्गा पूजा का जुलूस निकालेंगे, तो उनको प्रतिबंध लगाया जाएगा, और मुस्लिम समाज के लोग जब मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे तो उनको लाठी डंडे फरसा का भी अलाउ किया जाएगा। आज ही मैं क्लियर कर देता हूँ, सरकार बिल्कुल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, और हमेशा सरकार ग्रसित हो चुका है, मानसिक रूप में मतलब एकदम संतुलन खो चुका है, और किसी काम के योग्य सरकार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और औराई से बीजेपी के विधायक रामसूरत राय ने नीतीश तेजस्वी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कह दिया है सरकार मानसिक संतुलन खो बैठी है, कोई काम योग्य सरकार नहीं है। कई और बातों को उन्होंने कहा है, तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया है, नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है, नीतीश तेजस्वी की सरकार पर जमकर हमला बोला है, कह दिया है तुष्टिकरण सरकार की राजनीति करती है, मुस्लिम पर्वों में बैन नहीं होता है, हिंदू पर्वों में ही बैन होता है। तो बिहार में तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर भी काफ़ी सवाल उठा रही है बीजेपी, और धार्मिक को एक धर्म को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ये सरकार मानसिक संतुलन खो बैठी है, यानी कि नीतीश तेजस्वी की सरकार मानसिक संतुलन खो बैठी है। कई और बातों को कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुनिए। लाठी डंडे पर रोक लगाई गई, इसमें टेक्निकल एक लाइन लिखा हुआ है जिसमें जरूरत के हिसाब से, यानी हिंदुओं की जब देने की बारी आएगी तो उसको कहेगा आपकी आवश्यकता नहीं है, जहां मुस्लिम को मुहर्रम में लाठी डंडे के लिए उसमें दिया जा सकता है। आज ही मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय जब हिंदू रामनवमी का जुलूस निकालेंगे, जब दुर्गा पूजा का जुलूस निकालेंगे, तो उनको प्रतिबंध लगाया जाएगा, और मुस्लिम समाज के लोग जब मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे तो उनको लाठी डंडे फरसा का भी अलाउ किया जाएगा। आज ही मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या लगता है सरकार की? सरकार बिल्कुल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, और हमेशा सरकार ग्रसित हो चुका है, मानसिक रूप में मतलब एकदम संतुलन खो चुका है, और किसी काम के योग्य सरकार नहीं है। और आए दिन जो उनकी घटनाएं देख रहे हैं, मीडिया के मामले में हो, अपने मंत्री के पुष्पांजलि के मामले में हो, या सदन के अंदर महिलाओं को शर्मसार करने का मामला हो, या महादलित को शर्मसार करने का मामला हो, या राबड़ी देवी को शर्मसार करने का मामला हो, यानी इनका बेतुका बयान, बेतुका बोल जो है, आज महिला गांव में इंतजार कर रही है कि वो कब मेरे गांव मेरे क्षेत्र में आवे, उनका हम स्वागत करें। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने क्या कुछ कहा, तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया है उन्होंने, और साफ साफ कह दिया है नीतीश तेजस्वी की सरकार मानसिक संतुलन खो बैठी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई अन्य बातों को भी कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार सरकार कोई काम योग्य नहीं है, मानसिक संतुलन खो बैठी है, कई आरोप लगाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में इस आरोपों को लेकर क्या कुछ होता है, जेडीयू आरजेडी क्या कुछ कहती है। तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया है, धार्मिक को लेकर यह आरोप लगाया गया कि मुस्लिम पर्वों में इस तरह की बातें नहीं रहती हैं, बैन नहीं होता है, सिर्फ हिंदू पर्वों में बैन होता है। तो ऐसे में इसको लेकर आरजेडी और जेडीयू क्या कुछ कहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीधे सीधे हमला बोला है रामसूरत राय ने, और साफ साफ कह दिया मानसिक संतुलन खो बैठी है नीतीश तेजस्वी की सरकार। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।